हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी स्टाइल 24 में आप सबका स्वागत है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली के लिए। मैं तहे दिल से बोलती हूँ आप सबको हर खुशियाँ मिले। तो चलिए फिर से एक बार बोलती हूँ हैप्पी दिवाली। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड की रबड़ी। ये बहुत जल्दी बन जाती है, कोई गेस्ट आ जाए दिवाली में तो फटाफट इसे बना के इंस्टेंट सर्व कर सकते हैं। तो बनाना बहुत इजी है। मैं यहाँ पे चार ब्रेड ले रही हूँ, मीडियम साइज के ब्रेड है, और इनके मैं टुकड़े कर लूँगी और एक मिक्सर ग्राइंडर लेके इसे ग्राइंड कर लूँगी। मुझे इसे दर दर ग्राइंड करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को अपडेट करती रहेगी। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे ये कितना अच्छे से बारीक पिसा है। एकदम परफेक्ट दरदरा पिस गया है। अब हम इसे साइड कर लेते हैं और गैस पे मैंने एक बाउल चढ़ाया है जिसमें मैंने 2 बाउल मिल्क ऐड किया है। ये फुल क्रीम मिल्क दूध है जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये लगभग 1/2 लीटर दूध है। मुझे लगा कुछ यूनिक करना चाहिए तो मैंने यहाँ पे मैरीगोल्ड के पेटल्स थोड़े से डाल दिए, थोड़ा लुक चेंज कर दिया। अब मेरा दूध यहाँ पे गर्म हो गया और मैंने यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं इस दूध में। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे और कंटिन्यू से चलाते रहेंगे कि इसका बेस टच ना हो, क्योंकि बेस बहुत जल्दी टच हो जाएगा तो स्मेल आ जाएगी दूध में जलने की। इसीलिए इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे इसे बनाना है। ये धीरे धीरे बहुत जल्दी थिकनेस इसमें आने लगती है। अब मैं यहाँ पे एक स्पून दूध ले रही हूँ और इसमें मैंने कुछ धागे ले लिए हैं केसर के, और इसे साइड में रख देते हैं। ये कलर और फ्लेवर देने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर काम करेगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कलर फूड भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ बाद में लास्ट में यूज़ होता है जब खीर थोड़ी ठंडी हो। तो मैं यहाँ चीनी का यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे केसर के धागे ऐड कर दिए हैं। इसमें बहुत अच्छा सा एक कलर आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है। मैं ये हमेशा अपने घर में बनाती हूँ। अगर कोई गेस्ट आ गया है या कोई ओकेशन है, बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे काजू ऐड किया है, यहाँ पे मैंने पिस्ता ऐड किया, यहाँ मैंने बादाम ऐड किए हैं, और यहाँ पे मैंने किशमिश ऐड की है। मैंने कोकोनट पाउडर यहाँ पे स्किप किया है, आप चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। खीर में थिकनेस आने तक हम इसे कुक करते रहेंगे। थोड़ा सा और हम 2 मिनट इसे कुक करेंगे। ये लगभग बनकर रेडी हो गया है। इसे अब मैं सर्व कर लेती हूँ। ये मैंने सर्व कर लिया एक बाउल में। अब इस पे हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं और इस पे स्प्रेड कर दे रही हूँ, डाल दे रही हूँ सर्विंग के लिए। और यहाँ मैंने रोज़ पेटल्स डाले हैं। ये बनके रेडी हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत प्यारा सपोर्ट करिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। आप सबके घर में बहुत खुशियाँ, हर मनोकामनाएं पूरी हों। तो चलिए दिवाली सेलिब्रेट करते हैं।